सर आज सुबह तकरीबन 10 बजे एक अटेम्प्ट हुई कराची स्टॉक एक्सचेंज पे, चार दहशतगर्द एक करोला गाड़ी में आए। स्टॉक एक्सचेंज पे बैरियर्स लगे हुए हैं और पिछले कोई 1.5 साल से ये थ्रेट परसेप्शन थी, इस वजह से हमने रैपिड रिस्पांस फोर्स पुलिस की वहाँ डिप्लॉय की गई थी। पहले ही चेक पोस्ट पे उन्हें कर गया और दो दहशतगर्द मारे गए, हलाकत हुई उनकी। और मैंने इसी वक्त करेक्ट कर लिया, हलाकत हुई उनकी, उन दहशतगर्दों की। और उसी जगह पे हमारे वाला आगे फिर अगले गेट पे जाके एक और दहशतगर्द को हलाक किया गया। चौथा दहशतगर्द पार्किंग लॉट तक पहुंच गया था और वहाँ पे उसे हलाक किया। इस इंसिडेंट में हमारे पुलिस का पुलिस स्टेशन मीटरदार का एक सब इंस्पेक्टर शाहिद वल्त मोहम्मद आरिफ ने जामी शहादत नोश किया। दो सिक्योरिटी गार्ड जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थे, एक का नाम इफ्तखार, एक का नाम अभी मुझे शहादत हुई वहाँ। तीन पुलिस वाले, एक सईद इकराम पुलिस कांस्टेबल मीठादर का, दो आरएफ के कांस्टेबल्स, एक इम्तियाज, एक शहजाद, ये इंजर हुए और इनकी अभी खतरे से बाहर नहीं है। इसके अलावा दो और सिक्योरिटी गार्ड स्टॉक एक्सचेंज के, खुदा यार और मोहम्मद वक्कास, ये भी इंजर्ड हैं। दो सिविलियंस आशिक और मोहम्मद आमिर, ये भी इस उसमें फिर हुए हैं। पुलिस और फिर उसके बाद रेंजर्स गया है, वो बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं हो सके जो अभी तक मुझे इतला है। एक मेजर थ्रेट थी, उसको मेजर इंसिडेंट हो सकता था, उसे कि हमारे तीन मित्र वतन एक मेजर इंसिडेंट अवर्ट हुआ। इस पर मैं पुलिस के लोग आरआरएफ के पुलिस स्टेशन के करता हूँ। एक मिनट के लिए भी तो मुझे पता चला है स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है वो चलती रही। हाँ ज़रूर ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस हुई बाहर से जो लोग आते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको सारा क्लियर कर लिया गया और स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस चलता रहा। दहशतगर्दों का जो ख्वाब है कि इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाएँ, मैंने सुना है किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, लेकिन अभी वो मैं नहीं कहना चाहूँगा जब तक कोई क्वेश्चन ना आए कि क्या है। तो इन दहशतगर्दों को इंशाल्लाह ताला हम जो इन्होंने पहले हमारे पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर सुबह सिंध में हमारे दहशतगर्दी का माहौल था, इनकी दोबारा कोशिश है स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करना, यानी वो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, तो वो अवर्ट हो गया है। मैं फिर एक पहले भी एक कुछ ये इंसिडेंट्स हुए थे जब रेंजर्स की गाड़ियों पे, रेंजर्स के अहलकारों पे कुछ हमले हुए थे और उस वक्त भी एक इस चीज़ का ये लोग उधर तक पहुँचे कैसे, इस वक्त मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन पुलिस वालों को बिफोर वी मूव फर्दर